और आज भी बोलूंगा कि जो कंपटीशन, यानी कि जो कहते हैं ना फॉर्म भरने वालों की संख्या लाखों में होती है, लेकिन पढ़ने वालों की संख्या हजारों में होती है। और पढ़ने वाले फॉर्म भर चुके हैं, अभी सिर्फ वो बचे भाई, कोई फॉर्म निकला यूपी पुलिस में, बड़ी भर्ती है, शायद तुक्का लग जाए। तुक्का वुक्का नहीं लगता भैया। जय हिंद साथियों, इस वीडियो के अंदर आपके मन में जो क्यूरियोसिटी है कि सर आज की डेट यानी अब तक जो है कितने लाख फॉर्म भर चुके हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल में, आपके बैक टू बैक जो है वो कमेंट आ रहे थे, तो बिल्कुल उन सबको देख करके मैंने इस वीडियो को जो है निर्धारित किया कि आज का अपडेट जान करके ही आपको जो है सूचित किया जाएगा। आपसे मैं एक सवाल पूछ लेता हूं, जो यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 में पूछा गया था, और वो पूछा गया था कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की स्थापना कब हुई थी। आपसे मैं ऑप्शन देता हूं, 7 अप्रैल 1948, 7 अप्रैल 1949 एंड 7 अप्रैल 1930 एंड 7 अप्रैल 1968। इन चारों डेटों में से किस डेट को हुआ था वो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। अब देखिएगा, आपसे आपकी जो पढ़ाई चल रही है ना उसमें बहुत सारे सवाल जवाब भी आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये वीडियो सिर्फ स्पेसिफिक इसी टॉपिक के ऊपर है तो इसीलिए इसमें ही बातचीत करूंगा। बाकी आपका जो टाइम टेबल, जो टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं आप, 2 घंटे के अंदर पूरा पेपर सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, देखिएगा सर पेपर के टाइम पर भी ऐसी स्थिति बनेगी, लेकिन आप उसे बच जाएंगे, ऐसा होगा। और जो मैं आपको तरीका बताऊंगा एग्जैक्टली आप उसी को फॉलो करना तो बेहतर रहेगा। आप, मैं ईमानदारी से आपको बता रहा हूं कि अगर आप उस तरीके को फॉलो करोगे तो एग्जैक्टली आप पूरा पेपर भी कर पाओगे और बाकी अदर विद्यार्थियों से भी जल्दी आप पेपर कर लोगे और ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, सही एक्यूरेसी के साथ में आप पेपर को सॉल्व करेंगे। तो फिलहाल में मैं आपको डाटा देख करके बता देता हूं। देखिएगा अभी जो है वो लेटेस्ट अपडेट मेरे पास में ये आया है कि रजिस्ट्रेशन नंबर कितना पहुंच गया है, जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिला वो मैं आपको जो है वो फॉरवर्ड कर रहा हूं। अब देखिएगा वर्तमान में अभी जो फॉर्म भरे गए हैं वो है 31,52,614, 31,52,614 जो है वो फॉर्म जो है वो अभी तक भरे जा चुके हैं। मतलब ये एक बड़ी संख्या है, और इतनी भी बड़ी संख्या नहीं है कि आपकी हिम्मत को जो है तोड़ दे, क्योंकि आप सब जो तैयारी कर रहे हैं और जो आपने तैयारी किया है ना वो बहुत तैयारी है, मतलब सफिशियंट है। ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो कि अपना पूरा जो है 100 क्वेश्चन जो है बिल्कुल वो सही कर पा रहे हैं, कमेंट करके बता दीजिएगा कि 100% जो सही कर रहा है हर प्रैक्टिस सेट में वो भी आप बता दीजिएगा, ताकि अदर विद्यार्थी पूछ रहे थे इसलिए उनका सवाल मैंने आपसे पूछ लिया है, तो वो आप कमेंट कर दीजिएगा। और जो ये फॉर्म की संख्या है 31,52,614, मतलब देख लीजिएगा अभी तो 14 तारीख हुई है, ये जो है 15 और 16 दो तारीख है, मतलब 2 दिन हैं, और इस टाइम पर बहुत ज़्यादा देखना आप वेबसाइट पर ट्रैफिक आएगा, और ये मान के चलना कि शायद हो सकता है जो वेबसाइट है ना वो भी स्लो डाउन हो जाएगी, ठीक है आप देख पाएं, क्योंकि एक साथ अचानक से जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है जो सो रहे हैं उनको याद आता है, ओ माई गॉड 60,244 यूपी पुलिस के, अरे भर दे भाई, मतलब पड़ोसी भी जो होते हैं वो ये बोलते हैं कि यार तू भर दे यार, देखा जाएगा पेपर जब जैसा होगा वैसा, ज़्यादा नहीं तो अभी आपने अगर कोई तैयारी नहीं कर रखा है अरे कम से कम पेपर तो देख लेगा कैसा पेपर आता है, तो ऐसे उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। आप देखिएगा करेक्शन वालों की संख्या आपको 17-18 तारीख को देखने को मिलेगी, और करेक्शन भी ना एक बहुत ज्यादा संख्या में होगा करेक्शन, उसका भी एक जो है प्रॉब्लम है और बहुत ज्यादा, क्योंकि देखो यूपी पुलिस के पेपर में यूपी जीके का आना स्वाभाविक है और उसमें आपको अच्छा स्कोर करना है, तो अच्छे स्कोर के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस का सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर अगर आपको देख रहे हैं तो किरण पब्लिकेशन ने बेसबुक मार्केट में लॉन्च कर दिया, आप इसे ऑनलाइन ऑर्डर करके भी मंगा सकते हैं, नजदीकी बुक स्टोर पर जाकर के भी आप उत्तर प्रदेश पुलिस की जो सामान्य ज्ञान है स्पेशल यूपी जीके है साथ ही में करंट अफेयर देखने को मिलेगा, तो वो आपको करंट पब्लिकेशन में देखने को मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और इस बुक के अंदर खास बात क्या है वो मैं आपको एक बार आपको झलक दिखा देता हूं, यहां पर आप देख लीजिएगा इस पूरी बुक के अंदर आपको व्याख्या सहित, मतलब पूरा एकदम व्याख्या किया गया, एक सवाल में 10 आंसर जो है दे रखे हैं, तो 400 से ज्यादा जो MCQs हैं और उनका जो है विस्तृत जो है आपको व्याख्या देखने को मिलेगा। इसलिए करंट पब्लिकेशन की ये जो बेस्ट बुक है वो मार्केट में आ गई है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जाइए एंड बाय करिए। देखो वीडियो के माध्यम से आप सबको बता दिया गया कि भाई देखो ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, आप अपने अगर फॉर्म में ऐसी गलती कर दी है तो आप उसे चेंज कर लीजिए, नहीं तो पता है जब PDF आता है ना उसमें लिखा आता है रिजेक्टेड फॉर्म, उसके बाद में कोई चांस नहीं होता है, आप देख लीजिएगा ये बेहतर है। मतलब कोई अगर वीडियो आ रहा है आपको तो उसे सुना करो, मतलब क्या बोल रहे हैं वो, उससे कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा। और सही बात है, अगर इस तरह की वीडियो जो है वो करेक्शन में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही थी शायद अगर पहले बन जाती ना तो सही बता रहे इतना जो गलतियां हुई हैं वो सब नहीं होता, क्योंकि जब आप फॉर्म भरवाने जाते हैं तो आप टोक सकते हैं साइबर कैफे वाले को, भाई देखो आपने जो ये फॉर्म सबमिट किया है इसमें बैकग्राउंड देखो या तो ग्रे या व्हाइट लगाया, आपने ब्लू लगा दिया है,
यस और नो, आपको ब्लैक पेन से जो है साइन हस्ताक्षर करने थे, आप जो है करवा रहे हैं जो है ब्लू पेन से, नहीं चलेगा। तो आप तभी बता सकते हैं उनको। और भाई सही बताना है तो साइबर कैफे वाले भी आप कहें कि आपसे ज्यादा होशियार हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है, उनको बस एक लिमिटेड अपने क्षेत्र का पता है। और बहुत तो मैंने ऐसे देखे, उनको ये नहीं पता है कि फोटो का बैकग्राउंड कैसे लगेगा, ठीक है ना, फर्स्ट नेम लास्ट नेम में क्या आता है, मिडिल नेम में क्या आता है, यस और नो। तो इस तरह की प्रॉब्लम आप अगर समझदार हैं, जानकार हैं, तो आप जो है करेक्शन खुद देख सकते हैं, खुद अपने सामने जो है फॉर्म भरवा सकते हैं। तो ये जो संख्या है ना 31 लाख से भी जो ऊपर चली गई है, भाई देखो एक बड़ी संख्या है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और भी फॉर्म भरे जाएंगे, लेकिन टेंशन मत लेना। मैंने